उत्तराखंड में धर्मांतरण लव और लैंड जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि असामाजिक तत्वों के ऐसे जेहड़ों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। डोईवाला क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामले, धर्मांतरण लव जिहाद और लैंड जिहाद व असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र का माहौल खराब करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने डोईवाला उप जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी और डोईवाला कोतवाली प्रभारी राजेश शाह को ज्ञापन सौंपकर ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद जिला ऋषिकेश के सहमंत्री सतवीर सिंह मकलोगा ने कहा कि क्षेत्र में बसी अवैध बस्तियों में रह रहे लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ दंडात्मक एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए। ऐसे लोगों से सरकारी भूमि, नदी नालों को प्रशासन मुक्त करवाए। जिला महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि देवभूमि में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबोध नोटियाल ने कहा कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से रोजगार, व्यापार और मजदूरी की आड़ में संदिग्ध समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिसके कारण प्रदेश का माहौल विशेष समुदाय के उपद्रवियों द्वारा खराब किया जा रहा है। हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया और उनसे अपेक्षा की गई कि क्षेत्र का सत्यापन इस आधार पर हो कि कौन व्यक्ति कहाँ का है और उसका पूर्व का जो उसका जीवन रहा है वो किस तरीके का रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति का जो रहा है। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये ज्ञापन कोतवाल साहब को और SDM साहब को दिया है और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी इससे की जो घटनाएं ना हो इनमें रोक लगे। इस रूप में हम सभी लोग आज दोनों लोगों से मिले हैं। SDM साहब को, कोतवाल साहब को ज्ञापन दिए हैं दोनों अलग अलग जाकर के। समाज को सुरक्षित रखने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सत्यापन का जो कार्य है बहुत जरूरी है। वैसे तो विभाग के द्वारा समय समय पर सत्यापन की प्रक्रिया चलाई जाती है लेकिन इतनी पर्याप्त नहीं है। हर व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए ये सत्यापन बहुत आवश्यक है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि लव जिहाद का मामला भी बहुत चल रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले, एक घंटे पहले, अभी एक चोरी की घटना भी सामने आई, उसमें बताया जा रहा है कि वो रेडियो फेरी ऐसी फेरी के माध्यम से इस क्षेत्र में आए थे। तो हमने पुलिस से मांग की है कि इनका जो सभी लोग जो अभी नए नए इधर से आए आपके रिकॉर्ड वगैरह से इनका वेरिफिकेशन करवाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।